से निकल। हम बहुत ज़्यादा तो गांव में रहे नहीं और प्लेन्स में ही सारी पढ़ाई लिखाई हुई। गांव भी पिछले 40 साल में 7 बार गए गिन के, लेकिन यादें जितनी भी है बहुत सुंदर है और बहुत ताज़ी है। बचपन में जब हम कोटद्वार से सफ़र शुरू करते थे तो रास्ते अधिकतर कच्चे थे, बस चलती थी तो धूल ही धूल उड़ा करती थी और वोमिटिंग से बुरा हाल हो जाता था इस धूल में। और अब तो बस से पहाड़ों में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यही वोमिटिंग की प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है। कक जान दे रास्ता को चारे खगोन रामन। अच्छा वो भी जरा समत। अच्छा वो बनाना से टूरिस्ट यो आज लड़का मोड़ कर ये गदन पार मोहन तेरे मोड़ देवी मंदिर के हम की पढ़ते का मोड़ का प्रैक्टिस करना वाला। हां पढ़ते होना ग्रुप बड़ा हम लाने करो में वाकने की कला पढ़ो कला। हां इन घाटियों से, वादियों से, पहाड़ों से, नदी किनारों से जब आप गुजरते हैं तो ये बरबस ही इंसान के अंदर जो अध्यात्म छुपा हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसको शायद पता नहीं हो कि अध्यात्म क्या होता है, स्पिरिचुअलिज्म क्या होती है, या बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो उसको यहाँ ले आओ आप। और इन घाटियों में, नदी किनारे, पहाड़ों में, वादियों में उसको घूमने दो तो अपने आप ही उसकी परिभाषा गढ़ने लग जाएगा और उसकी परिभाषा बिल्कुल सटीक होगी। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि क्यों पहाड़ों में आते थे तप करने, ये आप इन वादियों में आएंगे तो आपको अपने पता लगेगा। ये वादियाँ आपके अंदर जो एक प्योरिटी है, अध्यात्म है जिसको कहते हैं, उस प्योरिटी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसमें सफल भी हो जाता है। तो बचपन की यादें सोने से भी ज़्यादा कीमती होती हैं, मेरा ऐसा मानना है। जब इन रास्तों से 40 साल पहले हम गुजरे थे तो पिताजी हमें इन रास्तों से जुड़ी हुई कहानी सुनाया करते थे कि कैसे 1958 में जब वो फौज में भर्ती हुए उसके बाद गांव आते थे तो कैसे गांव से सतपुली तक अपने बड़े भाई साहब यानी हमारे बड़े ताऊ जी थे केदार सिंह ताऊ जी, उनके साथ पैदल सतपुली तक आते थे। वो इनको छोड़ने आते थे जिसमें कई दिन का सफ़र लगता था। तब बेदीखाल तक सड़क नहीं हुआ करती थी। आपके सामने उन दिनों की ऐसी भावुक यात्रा सचित्र सामने आ जाती है। जब आप ऐसी कहानी भी सुनते हैं तो आप इमेजिन कर लेते हैं कि वाह क्या बात रही होगी उस ज़माने में, क्या रिश्ते थे, क्या रिश्तों में गर्माहट थी। और ऐसी कहानी आपको प्रेरित करती है। हमने अपने बच्चों के साथ ऐसी कहानी हमें ज़रूर शेयर करनी चाहिए। 2015 में मैं अपने बड़े बेटे, अपनी वाइफ भाभी जी और भतीजी को लेकर के गांव आया था। तब यह गांव उजड़ चुका था, वीरान था। छोटे बेटे को नहीं ला पाया था क्योंकि उसे पहाड़ी रास्तों में बस में बहुत डर लगता है। हालांकि हालत तो हमारी भी बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी हम आए थे हिम्मत करके। ये ना फिर तो लाइव उतारता हूँ मैं। नमस्कार भाभी। नमस्ते। और भाई साहब ठीक? चलो चलो मस्त रहो आप। चलो 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 आप आगे चलो चल चल चलो 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 आओ। चलो इनका भी रिकॉर्डिंग आ गया। सतपुली 53 किलोमीटर। अरे आराम।
ड्राइविंग आना चाहिए, कहीं भी चला लो गाड़ी। हॉर्न दे हर मोड़ में हॉर्न दे, पता वे कुछ पता नहीं लगा था अचानक हम गाड़ी गाड़ी पिकअप काम से थे। अरे तो आइटम तो थोड़ा कम ही लेने आइटम तो थोड़ा एक बार पता है जन कैसे ना वाकई दिखे दे एक बार बेटा बढ़िया बने दिन गाड़ी नॉमिनल चार्ज ले लो। 2015 में जब हम बच्चों को लेके गांव आए थे तो सैतुखाल जो हमारे ननिहाल के पास है से हमारे गांव के नदी तक का लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग हमने की थी और बच्चों ने खूब एंजॉय किया था। अब जब हम अपने घर में बड़ा सामान है राज मास अपना सवेरे राज बनाए मास सवेरे जान से करे आरोट मेल का आदेश को असुन गए मैंने राज जाता आधों मार आधों में आज मास नया नया मास रहता है चढ़े। हमें याद है जब हम दोनों भाई 9 और 11 साल के थे तब गांव आए थे पिताजी के साथ, तो हम एक दो दिन गांव रहते फिर दोनों भाई अकेले अपने नानी के गांव पहुंच जाते, फिर एक दो दिन वहां खेलते कूदते फिर वापस पैदल नीचे जंगल के रास्ते अपने गांव लौट आते। सैतुखाल में दुकान थी जो कि आज भी है, वहाँ से हम 1-2 रुपये के चने और रामदाना खरीदते जेब में भरते और बस उनको चबाते और अपनी मस्ती में मगन अपने गांव पहुंच जाते। अरे ये फिल्टर लग दिए हैं, फिल्टर लेंस लग दिए हैं, बहुत तेज धूप है। बचपन में स्टूडेंट्स बच्चे ट्रैवलिंग बहुत एंजॉय करते हैं, स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती थी जब भी हम असम से ट्रेन में निकलते थे और दिल्ली होते हुए कोटद्वार पहुंचते थे और कोटद्वार में बस अड्डे पर खड़ी बसों को देखते थे जिन पर लिखा रहता था ऋषिकेश पौड़ी हरिद्वार लैंसडाउन, ऐसा लगता था ऐसी इच्छा होती इन सभी बसों में चढ़ा जाए और इन सभी जगहों पर जाया जाए घूमा जाए मस्ती की जाए। और सच कहूँ तो आज भी इन जगहों पर घूमने की इच्छा अधूरी ही है। पानी पी दिया ठंड पानी 12 महीना बिल्कुल याद पर सरांतों में बड़ा आई ये दूर तक झूलो से बात ये बदबू किसका किसका है वीरेंद्र भाई साहब। हाँ भाई साहब नमस्कार। वो थे हाँ हम लोग दुपट्टा पहुंच गए, गाड़ी मैं चला रहा हूँ। अरे अच्छा क्यों भाई? हाँ हाँ गाड़ी तो सीधा चलो मैं सीधा लेफ्ट। अच्छा अच्छा ठीक है तू कट सही अरे नीचे से पहले को बात लगी जा रहे तू का चाहिए। अरे मेरे बोल रहे कह गाड़ी बहुत पहुंच गया कुकु गवा
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੋਫਟ ਆਪ ਦੁਕਾਨ ਕਰੋਸ ਕਾ ਮਾਮਲ ਬੇਟਾ ਜੀ हाँ बोले बड़ा पैकेट बड़ा जैन 20-25 पैकेट अरे 10-10 पैकेट बिस्कुट मैं तो दे तुमको इन्हें ले अरे जो रोशन नगर अरे सुन रोशन नगर बात कर यार इधर सुना नहीं दे रहा हूं बिस्कुट पैकेट बस बिस्कुट अच्छा हां भाई साहब 3 लड्डू 3 किलो लड्डू अच्छा अच्छा बताओ आप क्या लाना है भाई बोला 3 किलो लड्डू 3 किलो लड्डू ठीक है हां और पाली जी आप लाने को बिस्कुट क्या था जो ये पैकेट होता है जिसमें बड़ा ठीक है ठीक है हां कितने लाने अरे हां दो लियाना और 3 किलो लड्डू लाना और एक पर्ची में लिख लेना कितने रुपए के हैं हाँ ठीक लड्डू सिंपल जो बूंदी वाले ना बूंदी वाले लड्डू 3 किलो है ठीक है और दो पैकेट वो ठीक है ठीक है नहीं नहीं कोई नहीं वो तो मुझे भी देने अभी पैसे है ना ठीक है ठीक है ठीक है वैसे ठीक है अच्छा बता देना आप अगर पूछो तो मेरे को है ना हाँ बता देना आप चलो ठीक है चाचा खोल दे पिता चाचा खोल दे मिल बॉल किले और अलग है बहर अलग कुछ नहीं प्रकृति में बदलाव की रफ्तार बहुत धीमी होती है इसके उलट इंसान ने कुछ दशकों में आपने देखा होगा अपने अंदर भारी परिवर्तन किया है शहरों में यह परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ है हालांकि गांव भी इससे अछूते नहीं हैं आज इस 5 घंटे के सफ़र में अगर गौर करें तो शायद इक्की दुक्की जगह ही इन पहाड़ों में खेती होती दिखाई दे आपको हालांकि यह बड़ा और अलग विषय है जिस पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा उत्तराखंड की वादियां खास इसलिए है क्योंकि यहाँ जंगलों का प्रतिशत खेतों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको ये वादियाँ और घाटियाँ यहाँ की ज़मीन हमेशा हरी भरी ही नज़र आएंगी आप क्या प्लान बना रहे हो बौखुंड से पैदल लास्ट बनी हो सैतु खाल से पैदल सुबह आया था चाचा है ना बैग सैतु खाल बड़े है ना सैतु खाल बड़े जोल
या मैठान पता नहीं गार्डिक। अब गार्डिक देख लखा कहीं से। हाँ दो ऑप्शन है। हाँ एक जो लखन लिखा रास्ता बहुत हम देर पर तीन बात होने सामान का दम बदलान बहुत हम धैर्य ने वक्त कमरे दिया चुका और वक्त धैर्य सामान फिर वापस वहीं को गुआड़ी वापस से तब वक्त जान ये पूर्व हुई क्षेत्र तो क्या देवी खाल है देवी देवी हाँ देवी खाल अवे फिर चढ़े लगे बेहतर पता जंप मार सकती है बांध देगी बांदर को यार देखा रोड का पानी बंदा रहे खाना खाने के लिए या किसी चीज के लिए आते ही है वो दे जाएगा ये संजू भाई सब मिल जाने बड़े दैसा जान बल द्वारिखाल द्वारिखाल भाई छुट जा भाई तरफ भैरमगढ़ी मेरा पहाड़ों के प्रति जो ऑब्सेशन है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम बचपन में लगभग 3.5 साल अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में रहे हैं। तब मेरी उम्र 10 साल की थी और यह क्षेत्र जिसे लुंगला कहते हैं हम और ये तवांग से 40 किलोमीटर दूर है। तो इन 3.5 सालों में हमारी लाइफ टोटली पहाड़ी और गांव के बच्चों की तरह ही बीती है। वही पैदल स्कूल जाना जमीन में बैठकर कभी पेड़ के नीचे पढ़ना क्लास से भाग जाना। पुराने ज़माने में तो बच्चे बहुत नॉर्मल ये काम करते थे आजकल तो नहीं होता है। खेल के तौर पे गिल्ली डंडा खेलना मार्बल खेलना जंगल जाना लकड़ियाँ काटना। हालांकि लकड़ी काटना इसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं थी घर में हमारे सिपाही भैया वगैरह थे हेल्प करने के लिए। खेतों से एप्पल चुराना गर्मियों की छुट्टी में स्ट्रॉबेरी से पूरे मैदान लाल हो जाते थे जाम रहते थे पूरे मैदान बिल्कुल रेड कारपेट की तरह हो जाता था जितना चाहो स्ट्रॉबेरी तोड़ लो कोई उनको उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हर साल अपने आप जैसे अप्रैल का मई का महीना आता था वो पूरा मैदान लाल भर करके स्ट्रॉबेरी तोड़ो थाली में डोंगा भर लो बोतलों में भर लो और पेट भर के स्ट्रॉबेरी खाते थे। इसलिए जब भी मैं उत्तराखंड जाने की सोचता हूँ तो मेरी वो बचपन की जो यादें हैं बहुत ताज़ा हो जाती हैं क्योंकि वो हिमालयन रीजन में है वहाँ के मकान ऐसे ही हैं जैसे उत्तराखंड में हैं।
मेरी अगर दो इच्छाएं पूछी जाएं तो दो इच्छा जो मेरी बहुत प्रबल है और जो मेरी पूरी नहीं हुई है, जो मेरी इच्छा करती कि ये मैं पूरी करूं, उसमें एक है पूरे उत्तराखंड में घूमना। अगर पैदल घूमने का मौका मिले तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। और दूसरा है इन पहाड़ी वादियों में या अपने गांव में कोई दो कमरे का एक छोटा सा सुंदर सा मकान बनाना। ये मेरी दो इच्छा है, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर कोई मेरे से टॉप टू प्रायोरिटी पूछे तो इच्छाएं पूछे तो यही हैं। कई बार मेरी इच्छा होती है कि मई के महीने में बच्चों को लेकर गांव की तरफ जाया जाए। इसका कारण है मई में यहाँ के जंगलों में उगने वाले फल जैसे काफल, हिसोले, किनगोड़े, जिनका टेस्ट जो यहाँ रहते हैं उनको पता है कि लाजवाब होता है। लेकिन पिछले दो तीन टूर कुछ अजीब से हुए हैं, या तो वो अक्टूबर में हो पाए हैं या मार्च में हुए हैं, जिस समय ये फल रहते नहीं हैं। पिछले बार मैं बच्चों को लेके आया था, ये छोटे छोटे थे उस समय, तो वो मार्च के महीने में हमारा टूर निकला था क्योंकि इनके एग्ज़ाम हुए थे, रिज़ल्ट आना बाकी था, तो वही टाइम हमको मिला था घूमने का। तो उस समय इन पेड़ों पे कुछ में फूल लगे थे, जैसे किनगोड़े में फूल लगे थे। हालांकि फूल भी अच्छे होते हैं, इनको अगर खाएं खट्टे से बढ़िया लगते हैं। और इसी तरह से हिसोले, उनमें भी फल नहीं आए थे, तो वो मिशन मेरा अधूरा रह गया उस समय। 40 साल पहले बेदिखाल आखिरी बस स्टॉप हुआ करता था और यहाँ से करीब हमें 2 घंटे का पैदल रास्ता तय करना पड़ता था अपने गांव के लिए। कई बार गांव पहुँचते अंधेरा सा हो जाता था, वो धूली के टाइम पहुँचते थे, कहीं लोग खेतों से लौटते दिखते थे, कभी कोई महिला सर्दियों में गेहूं की बालियों को आग में पकाते हुए दिखती थी, जिसे हम उमी कहते हैं। तो रास्ते चलते उन उमियों का स्वाद आज भी ज़बान पर बसा हुआ है। अगर किसी चीज़ की बहुत कमी आज हम इन पहाड़ों में हमें खलती है तो वो है हमारे रिश्तेदार, जैसे नानी हुआ करती थी, ताऊ जी, ताई जी वगैरह, जो अब हमारे बीच नहीं है। चला था अभी वाला, फिर है ना बीच मौला ना, फिर मिलना कौन वाला है ना, ये भाई आ ना ना खैर अभी तो अरे अभी तो क्या है बच्चा बीचे ना, अब एक दो दिन जरा मुँह था घुमान भी हम परसों जोला, अभी एक दो दिन जरा उधर घुमान भी जी दिल्ली परवा दो तो जरा दिल्ली घुमाला। हाँ मौसम चलो ठीक है, चलो अच्छा है ना, बैठा है ना। अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपने लोग, अपनापन, कहने को तो मोह माया से जुड़े शब्द लगते हैं, लेकिन ये ही ना हो तो जीवन से रस ही चला जाए। कभी ना कभी तो लोग लौट कर यहाँ जरूर आएंगे, क्योंकि इन पहाड़ों में, वादियों में कोई कमी नहीं है। अगर किसी एक चीज़ की कमी है जो मुझे दिखती है तो वो है पॉलिटिकल या ह्यूमन विल की, या मैनेजमेंट कह लो। बाकी तो हम राजस्थान में रहते हैं, जहाँ जैसलमेर जैसी जगह भी है, जहाँ रेतीले टीबे हैं, वहाँ भी परिवार रहते हैं, जहाँ पीने का पानी भी खरीद कर पिया जाता है, जहाँ रेतीले मैदान में मवेशियों के लिए घास भी नहीं मिलती है। और इसके ठीक उलट यहाँ के प्राकृतिक संसाधन को अगर देखें तो ये प्रचुर मात्रा में है। और कभी 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 ऐसा लगता है कि इन पहाड़ों की जो बनावट है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो यहाँ का माहौल है, इंसान इसी में ऐसा खो जाता है कि उसको उसके मन से लोभ, लालच, व्यापार, पैसा, उसका शायद उसको ख्याल ही नहीं आता है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो मेरे दिमाग में कभी कभी आता है।
इसकी बनावट को देखते हुए। रोड की रिपेयरिंग का काम चल रहा है। आप देखेंगे कि पहाड़ों में रोड की जो मैनेजमेंट है वो बहुत तगड़ा है, जबकि इन रास्तों में कोई टोल टैक्स भी नहीं लगता है। लेकिन वही है कि अगर इन रोड को आप मैनेज नहीं करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम लॉक हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी चीज़ें भी गवर्नमेंट मैनेज करती है। अगर आप तुलना करके देखें तो शहर के जो मेट्रो में रहते हैं वहाँ भी सड़कें ऐसे मैनेज नहीं होती है। अच्छे अच्छे शहरों में खड्डे हैं, कच्ची सड़कें हैं, सालों तक दशकों तक ठीक नहीं होती है, ऐसे पड़ी रहती है। इसके उलट अगर आप इन पहाड़ों में आएँ और मान लो ये रास्ता कभी इसमें लैंडस्लाइड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, टूट फूट तुरंत बनता है, अगर उससे यातायात तो रुक रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो जब आवश्यकता पड़ती है तो ये चीज़ें भी मैनेज हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक विल की और मैनेजमेंट की कमी है, बाकी ऐसा इन पहाड़ों में कोई कमी नहीं है। और इसलिए मैं बहुत आशावादी हूँ कि ये पहाड़ वापस बसेंगे। कब बसेंगे इतना कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यार ख्याल तो पिछने रहेगी हैं, पिछने रहेगी शायद। ये है सतपुली की नयार नदी। ये सतपुली छोटा सा शहर है लेकिन बहुत पुराना है, और पुराने ज़माने में ये समझ लीजिए बहुत मेन सेंटर मार्केट हुआ करता था, जहाँ लोग आते थे अलग अलग जगह से उत्तराखंड के और ख़रीदारी करके सामान ले जाते थे। ये वादियाँ हैं सतपुली की, और सतपुली बहुत फेमस जगह है, कई गानों में इसको जगह मिली है, जिसमें एक प्रचलित फेमस गाना है जो हम बचपन में सुना करते थे कि सतपुली का सैणा मेरी बहु सुरेला, इस तरह के कोई गाना है। और किसी ज़माने में यहाँ से लोग अपनी पैदल यात्रा शुरू करते थे, जो गांव से आते थे सामान लेने, यहाँ से ख़रीदते थे, फिर पैदल कई दिनों का सफ़र करके अपने गांव सामान ले जाते थे, चाहे कोई गुड़ ले जा रहा है, चाहे नमक ले जा रहा है। जो भविष्य को देख सकते हैं, जिन्होंने शहरों में पिछले 30-40-50 साल में ज़मीनों में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, शहरों में बदलाव देखा है, वो इस चीज़ को इजीली गैस कर लेंगे कि आने वाले कुछ ही दशकों में यहाँ पब्लिक लौट के आएगी। और जिन्हें आज ये लगता है कि यार ये तो खाली हो गया है उत्तराखंड और यहाँ कोई रह नहीं रहे, चले गए, इसके उलट कुछ दशकों बाद आप देख लेना कि यहाँ लोग ये कहेंगे कि यार क्यों आ रहे हैं लोग यहाँ इतने सारे, क्योंकि मौसम बदल रहा है, लोगों के पास पैसा भी खूब आ गया है। किसी ज़माने में देख लीजिए कि लोग पैदल आते थे, आज गाड़ियां हैं सबके पास, तो पैदल से गाड़ी और गाड़ी से आगे तो ड्रोन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो बहुत ज़बरदस्त इसमें परिवर्तन आने वाला आने वाले कुछ दशकों में उत्तराखंड में। एक मत एक एसएसबी कैंप बचा ना अभी तक, एसएसबी कैंप बचा ना, एक एक के बाद दिला एसएसबी कैंप बचा ना मत। अब अग्नि घूमी बाई तरफ आया बैठ पेड़
हमारे पिताजी की पीकू वाली कुर्सी साथ में चल रही है, जिन्होंने फेमस मूवी पीकू देखी होगी। तो कहानी यूं ही नहीं बनी है, बिल्कुल फैक्ट है वो। बहुत अच्छी फैमिली ड्रामा है, आप ज़रूर देखिए जब आपको टाइम मिले। बेहतरीन मूवी है पीकू कुर्सी। और है क्या पूरी रोटी खा लिया की पूरी नाना में निकाला प्रेम खाएगा पेट भरे अरे प्रेम की पूरी खा लिया नाना रहेगा तो कौन खाएगा उसको बाद में अरे दे फिलो लाग ना ठीक है ठीक है कौन बना था वो खेले हम तुम खाला अभी बेटा ऐसा है संगल कोट बड़े पैक लंच दियो पैक करी सुन और आगना खोलो खाले घर खाले देर से एक घंटा लगेगा पहुंच लगा बड़े डेढ़ घंटा लगता साल बिजू गया था दिन साल बाल डेढ़ बजता लंच मिलता अरे हमारे तू अपने जान है तीन मुर्गे में अरे आप मसा छा अरे सब्जी पूरी खूब पड़। तो उत्तराखंड घूमने का जो मेरा प्लान है उसमें एक काम और है, मैं सोचता हूँ कभी इन खूबसूरत वादियों में अपने गानों की शूटिंग करूँ। जो जानते हैं कि मैं थोड़े बहुत गाने वाने भी गा लेता हूँ, तो इन वादियों में मेरी इच्छा है कभी एक महीने भर का टूर मारा जाए और यहाँ अच्छे अच्छे गाने फिल्माएँ तसल्ली से। अभी तो थोड़ी जल्दी है, टाइम नहीं है, अदरवाइज तसल्ली से इन वादियों में पहाड़ों में प्राकृतिक छटा में प्रकृति से जुड़े ही बहुत खूबसूरत गाने हैं, हिंदी गाने हैं, गढ़वाली गाने तो ही हैं, उनको फिल्माया जाए। कौन 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 फेसबुक से लिया था तुमने से मैं तो ये पूरी कहा है ग्रुप में डाल दूंगा जी 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 क्या क्या भगवान शानदार है। आप देख रहे होंगे इन पहाड़ों की वादियों से घाटियों से हमेशा कुछ न कुछ आवाज़ें ज़रूर आती रहती है, चाहे ये नदी के बहने की आवाज़ हो, चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ हो, या ये जो कीट पतंग शोर करते हैं, या जो भी कह लो, लेकिन ये म्यूज़िक हमेशा चलता रहता है। ये पहाड़ों की बहुत बड़ी खासियत है, ये आपको कभी भी बोर होने नहीं देंगे। ध्यान से सुनिए आप इनको।
किसका? इसमें ये तो शूटिंग कर रहे हैं ना, लेट हो रही है वो इनको उल्टी हो रही है, निकले वहां से बाहर हाथ मुंह धुलाओ, बेटा बाहर आओ हाथ मुंह धुलाओ, कहा है मम्मी का है रुकनी पड़ रही, क्या हुआ बाहर आओ बोला कर पानी नहीं अभी उसकी मैं पानी जला बोला कर जा पहुंचूंगी भी, अरे कुछ नहीं होता जरा, अरे दादाजी पानी भाई क्या हुआ बोला पता नहीं पहुंच गया फिर आपको नमस्ते बढ़ते नहीं है, टॉफी है मेरे पास, टॉफी है खट्टी वाली हैं देनी क्या हैं, अरे होता था बहुत ज्यादा, अरे भैया स्वर्ग है स्वर्ग, क्या कर दिया ये, कहाँ चले गए इसको छोड़ गए भगवान, क्या हो गए तो भैया बैक गियर लगाना पड़ेगा, नहीं चल गया बिल्कुल नहीं, नहीं। क्या बोलते हैं श्रीलंका में हवाई जहाज में तब आती जब वो हवाई जहाज नीचे को वो गया थोड़ा ग्रेविटी वाला वो तो चक्कर है जी फोर्स वाला ऊपर जाके तब नहीं होगा ये होता है आज कितना चले गाड़ी खूब दबाई तो नहीं बाकी हमारा वायदा किया तो है भाई हम लोग चल रहे हैं ये शूटिंग कर जा रहे हैं सेकंड ईयर है ये जहां पर देखे वही बोलते गाड़ी उनके पेपर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं एडमिटम नहीं अरे पापा लोग जल्दी बुला दिया था वो मैठन से गाड़ी खड़ी करके मैठन में गाड़ी खड़ी कर ली है क्या जगह भाई शानदार ये भगवान
सड़क नरुदा जी की लीने जमीन सुन से पहुंचने ग्यारह सौ रुपए तक घर पहुंचे थकान तो नहीं है ना तुम तक ना ना तो थका थका जयपुर बढ़िया अरे वो जयपुर इन्हें सब बांजी बांज पूरा बांध घनेखा हुआ पांचा डावा बरसात ज्यादा पानी हाँ ये डावा ज्यादा जब बांधते वाला पानी बहुत ज्यादा बार मैंने खिलिया ना जी हाँ ठंड दिन और जरा फिर चल कपड़े मोल दी काम करने हैं बने तब जाके रही हर बड़े ट्रांसफर हुए हैं तब आता है नेपाल में पानी नहीं पीते दो तीन गाँव है आस पास बस पढ़ने वाले बच्चे आते हैं उनके लिए कैंटीन है और बैंक पेंशन आ रहा है
जगह देख कर ना साइड में खड़े तरफ जगह देख कर और पार भीड़ खा ये तो उन्हें ताल बाहर टम देन तरफ उन्हें अच्छा तेल डुमाल डुमाल है डुमाल घूम के आ लोगे उन्हें कहाँ किसी को तेल वो क्या भाग रहे तो देन तरफ एक बार वो मत डैम ये तो ही भाग रहे ये हम कर दे हम कर दे ये मार्ट से नहीं कर साइड बस जरा गांव बताएं आपको कुछ एक मिनट फोटो करना है ना ना गांव गांव जरा कुछ है जरा बताओ बतानी हाँ चलो फोटो की अच्छा हमको गांव तो सुनना है सुनना रहना बस हेलो ये ना आवे ना देख कदल अच्छा कदल होगा कोई चौंडल ठीक से ये ताल देख रहे वो फार तेल डुमर एक सेकंड ठीक से वो को यो अच्छा ये तेल डुमेल है और मेल डुमेल है ओ मत डुमेल डुमेल और सामने वो देखो बीरू खाओ अच्छा अच्छा हां अच्छा यो बीरू खा लो है हां और इने यो 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 छे वे फोटो खैन में नौ बतो यार क्या नाम है इसका डुमेला भरोली अच्छा ओ यो नयार कक जान दे है यो नयार हमार बोल ना ना अच्छा और यू शिल्पकल बनाए शिल्पकल अगला जान देख ले
गांव वगैरह देख ले देख। हाँ गांव देख ले वाले सही तू खाल थे पटाला गांव देखना वाला नहीं मुश्किल थे। अरे बाप रे यही वो जंगल है जिसे क्रॉस करके हम बचपन में अपने गांव जाते थे दोनों भाई। हमारे गांव से पहले पड़ता है जंगल। बेली धारा रोल है। अच्छा बेली धार ये बेली धार है। अच्छा ये दाजिर बना था पुंगड़ा लोही होल दस ने वो कालीम मोदी सिंह ये पुंगड़ वक्त तक से का मार पार लगा वो फार दीवार देली खुंजा ने रखता। अच्छा हाँ और फार हम खाले आने का कुम मुझे खोला वालू वगैरह ने मरने खड़ी। अच्छा वालू दियों झुंगरू लाइया तो मरने से हम दही लग दी मतलब अरे तुम हाथ दे दे गड़बड़ जरा एक गड़बड़ हुआ जरा सर हुए क्या।
अरे कुछ नाना पुराना हो गया बस, कुछ नहीं है। अब भगवान कमर पटा गया, ध्यान ध्यान दो बड़ा। खोली रोल बड़े पाई खोली का पाई खोली रोल बड़े तो आई पानी पाइप में। हाँ इत गगरा गगरा कमर कमर जो जो पाइप तो समझ जाने की पाइप चल गई जंगल जंगल। हाँ अरे सोनू सोनू भाई नहीं पहचान रहा फोटो बन लो नाना वही थे क्या नाना वो नहीं पालम पालम सोनू चल चल बड़ा सोनू चल एंटीक हो गए सब। और बढ़िया बढ़िया रोशन बढ़िया। बस करो करो बात करो ये हमार हाँ ये हमार वीडियो कॉल में क्या करो भेजूं छा जब व्हाट्सएप करूं छा तुम खण करूं छा ना ना प्रेम है जयपुर और चाहिए बढ़िया ठीक ठाक जा अच्छा और बढ़िया प्रधान हेलो प्रधान जी अरे वो जयपुर आया था ना प्रधान जी किसानी में हेलो हाँ यार अभी घर में एंट्री की भाई है जयपुर नहीं आया एक बार आया किले ही हो गया अरे लो हो गया कैसे हो गया नहीं नहीं ऐसे कैसे हो गया अच्छा आप जयपुर जयपुर वाली बात ही कर रहे थे। हाँ वही तो लेकिन राजा मानसिंह की हवेली से आ रहे हैं चलो हो लो भाई साहब आप लाइव लाइव और ठीक ठाक है नमस्ते नमस्ते यार कौन हो और भाई साहब पहचानना है तो मैंने कहा तभी आया यार थोड़ा जान पहचान हो जाए। और भाई कब अच्छा यहीं से उतर गए ये तो आप एक बार ऐसे दे दिया ओहो ओ भाई साहब अच्छा हमारे और वाले ठीक ठाक है और यार कैसे रही अरे यादगार रही यादगार कैसे रही मैंने कहा यादगार उसको मत पूछो कैसे रही यादगार रही है बाकी तो और क्या रहा ये बताओ तुम बताओ असली तो है मजा है नहीं है याद तो रहेगा मेमोरेबल है हैं अरे मोबाइल क्या करना अपने पास है असली चीज मोबाइल अच्छा है इसको नदी है बड़ी अच्छी है तो हम तो यहीं पैदा हुए यार हम तो रहे हैं यहाँ बचपन तो वहाँ पे देखना पानी नहीं आ रहा बड़ा ज्यादा थोड़ा थोड़ा आता है थोड़ा तो गए हो क्या चले गए वो थोड़ा आगे जाएगी ना आगे पानी ज्यादा होता है उधर उस रास्ते गए क्या अच्छा वहीं से तो आ रहे हो ऊपर से अच्छा यहाँ से आए हो
और बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफर अंदर है ना वो अंदर कीर्तन का कर रहा है ऊपर नीचे उपर। अच्छा ऊपर है बिजू ये क्या है चुनौता अरे जाया भगता मंदिर पे चुनौता आया चल जा चलाया कर अब बताओ हम मतलब है जो बोलो सारे बोलो मैं भी अंदर है अच्छा अंदर से और ठीक ठाक और ठीक है तो भाई बोला मैं थका दी तो कीर्तन मंदिर तुम जा क्या कोल्ड्रिंक क्या तुम हल्का मिल जाओ Thank you.
अच्छा सो गए थक गए होंगे रास्ते में सही रहा रास्ते में ठीक ठाक आप टैक्सी करके आए क्या कोटद्वार से दिल्ली से टैक्सी करके सीधे है ना चलो सही चलो सही अरे बाबू यार तुम लोग हाँ अरे कहाँ यार भाई साहब आनी हो तो सही मैं आया था ना 2015-16 में बच्चों को लेके ऐसे ही आ गया था घूमने मैंने कि बच्चों को दिखा लाता हूँ कुछ नहीं था सब नीचे था ये पूरा हाँ आया था हाँ हाँ ये तो पूरा नीचे था हाँ हाँ और वो था जाना तो हाँ किसी